गुजरात की सूरत में हमारी मौजूदगी है। चाय पर हमारी चर्चा आज होने जा रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी जो अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या कांग्रेस का बेड़ा पार हो पाएगा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2014 का चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी और कई राज्यों में बुरी हार का सामना उसे बीजेपी के सामने करना पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे क्या टिक पाएंगे राहुल गांधी, और अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो एक नई ऊर्जा का संचार कर पाएंगे कांग्रेस के भीतर, यही सवाल हम पूछेंगे यहाँ की जनता से। सब बताइए, राहुल गांधी का नामांकन होने जा रहा है अध्यक्ष के लिए, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब नई ऊर्जा आएगी आज से? कुछ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो विदेशी है, हमारा नहीं है, इंडिया का नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी विदेशी है? दिल्ली में जन्मे है। सोनिया गांधी, अरे विदेशी, लेकिन सोनिया गांधी तो हमारी थोड़ी है, विदेशी है ना। लेकिन राजीव गांधी ने उनसे शादी की, बता उसे जासूस बता रहा है, तो इसे हमारे देश की नहीं मानी जाती ना। इस तरह की बातें कहाँ से पता चली आपको? मीडिया में बताते हैं, मोबाइल में आते हैं, स्मार्ट मोबाइल में चीजें जो वायरल होती हैं उसके जरिए। राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं, कायाकल्प होगा कांग्रेस का? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें टैलेंट नहीं है। आपको लगता है टैलेंट नहीं है? आपको भी लगता है ऐसा? इसमें टैलेंट नहीं है, वो बोलना चाहता है जो बोलना है वो नहीं बोलता, और नहीं बोलना वो बोलता है। मेरे को ऐसा लगता है वो इसमें टैलेंट नहीं है। आपने चंदन लगा के टीका लगा के रखा हुआ है, राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, उसका फायदा हो गया क्या गुजरात में? दुजात में नहीं फायदा होता है? नहीं होगा फायदा, राहुल गांधी तो फायदा ही नहीं होता है, दुजात में भाजपा ही होता है। भाजपा ही होते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से कौन लोग बोलेंगे यहाँ पर? अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का कायाकल्प हो पाएगा, फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी का फायदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी का जो बताना चाहता है वो बड़े लोग कोई बता ही नहीं पाते, वो उसके हिसाब से वो जाता है बराबर, जो उसको जो पता रहेगा तो उसके हिसाब से वो बोलेगा ना, उसका जो पार्टी का। मतलब आपको लग रहा है फायदा नहीं होगा? आपको लग रहा है अगर कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगेगी तो उनका कभी फायदा नहीं होगा? कभी फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो, कांग्रेस पार्टी अभी 6 राज्यों में सीमित है, विस्तार करेगी? देखिए वो पहले से तय है, उनका कुछ नहीं होगा, उनमें वो टैलेंट नहीं है। जो पहले से कैसे तय है? पहले से क्यों तय है? उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि एक ही घराना पूरा पार्टी चला रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए ये बातें जो उनकी ओर से कही गई हैं, आपको बता दें गांधी परिवार के ये 6वें सदस्य ऐसे हैं राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के 132 साल पुरानी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसके पहले मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जो 19 सालों से इस पद पर बैठी हुई हैं, और अब राहुल गांधी। कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होने जा रहा है, फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं होगा फायदा। क्यों? बीजेपी ही चलेगी। 60 साल में कुछ किया तो नहीं है, 60 साल में? 60 साल में कुछ नहीं किया है। क्या किया? कुछ नहीं किया 60 साल। मतलब मोदी जी की बातों का ज्यादा असर होता है, राहुल गांधी अपनी बातों में असर नहीं डाल पाते हैं जनता में। और किसको लगता है राहुल गांधी कायाकल्प कर पाएंगे, तस्वीर बदलेगी कांग्रेस की? नहीं बदलेगी। हमारे 30 साल में मैं 22 वर्ष से देख रहा हूँ भाजपा ने ही काम किया है, राहुल गांधी ने अभी कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा कांग्रेस को? नहीं होगा। कुछ और लोग हैं, सर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, पहले ये बताइए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं फायदा होगा। क्यों? कांग्रेस का हाथ मजबूत नहीं होगा राहुल गांधी के अध्यक्ष बन जाने से? लेकिन वो क्या मोदी है, मोदी सरकार को लाना पड़ता है। मोदी सरकार ही है, मोदी जी ही आएंगे, मतलब राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा लग रहा है। फायदा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे राहुल गांधी तो? फायदा होगा। बहुत कम लोग हमें यहाँ पर ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद फायदा होगा, इन्होंने कहा फायदा होगा। किस लिहाज से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज उनका नामांकन होने जा रहा है? फायदा हो रहेगा, राहुल आएगा फायदा ही रहेगा। युवाओं को जोड़ेंगे अपने साथ? युवाओं को जोड़ेंगे। आपको लग रहा है कि युवाओं को जोड़कर कांग्रेस का हाथ और मजबूत करेंगे? हाँ, मजबूत करेगा। चलिए कुछ और लोग हैं, आप वीडियो ही बनाएगा कुछ बोलेगा भी? इधर ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, आज नामांकन है, फायदा होगा कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस आएगा, लेकिन कोई भी आए देश का विकास होना चाहिए, जैसे मोदी हो चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हो, इस देश का विकास होना चाहिए, मैं तो यही जानता हूँ बराबर। देश का विकास होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा तो होगा, अगर आएगा तो होगा। होगा फायदा, आपको भी लग रहा है? होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। कैसे होगा? ऐसे नेता तो बोल रहे हैं,
मतलब वो युवा नेता हैं, इस वजह से फायदा होगा, युवाओं को जोड़ेंगे अपने साथ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और भी कुछ लोग और भी हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं, कुछ समय के बाद वो अध्यक्ष बन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी मजबूत करेंगे कांग्रेस को? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी जी का ही राज चलेगा। मोदी जी का ही राज चलेगा, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आगे अभी राहुल गांधी नहीं टिकेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं टिकेंगे। तो क्या करना चाहिए राहुल गांधी को ताकि वो और मजबूती से आगे बढ़े? इसके लिए तो और मुश्किल है बताना कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा नेता ही नहीं है किसके पास? राहुल गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास। तो इसलिए मजबूरी में बनाना पड़ा है अध्यक्ष? अभी वो ये जातिवाद पैदा करके वो अटेदारों का समर्थन ले रहा है, और कुछ नहीं उसके पास प्रचार के लिए, कुछ मुद्दा ही नहीं है कि वो पब्लिक को बता सके। मैं आपके लिए कहूँगा, अभी भी चुनाव प्रचार में कभी भी कुछ नहीं किया उसने, कभी ऐसा नहीं बोला जनता के लिए कि मैं आपको ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, कभी भी कोई एक ऐसी बात ही नहीं की विकास की, कि आके मैं आपकी ये तकलीफ है, ये समस्या है, आपको दूर करूंगा। तो क्या कर रहे हैं वो आके यहाँ पर? आके सब प्रचार कर रहे हैं ऐसे जातिवाद का, जातिवाद का प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। गुजरात की जनता जातिवाद को स्वीकार करेगी? वो किसके लिए है पहले मेरे को वो बताओ, राहुल गांधी किसके लिए हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राहुल गांधी। यहाँ गुजरात में मेरे को ओनली फॉर मोदी चाहिए, सिर्फ यहाँ पर मोदी जी चाहिए, ओनली फॉर मोदी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस का कायाकल्प करेंगे? परंपरा चली, वो गुजरात को नहीं संभाल पाएगा। गुजरात तो वो गुजरात को कहाँ संभालने आ रहे हैं, वो तो देश को संभालने की तैयारी कर रहे हैं। अरे वो खुद को संभाल लेने तो अच्छा है, खुद को संभाल ले। आप लोग हंस रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं इसलिए मोदी जी, मतलब मोदी जी के आगे राहुल गांधी नहीं टिकेंगे? नहीं नहीं, मोदी जी का दिखता है ना कितना विकास कर रहा है, वो तो दिखता है, बोलने से क्या होता है मोदी। देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सवाल राहुल गांधी को लेकर पूछे हैं, लेकिन मोदी मोदी के नारे ये सारे लोग लगा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के आगे राहुल गांधी कहीं भी नहीं टिकते हैं। कुछ और लोग उससे बातचीत करते हैं। वो जो पहली बार आया था तो बोल रहा था कि डायमंड कहाँ से आते हैं, उसको डायमंड का भी पता नहीं है तो उसको क्या मालूम है। पूरी दुनिया को पता है डायमंड इसराइल से आता है, सबको मालूम है, अफ्रीका से आता है, रशिया से आता है और इसराइल से। उनके रिसर्च टीम ने नहीं बताया होगा उनको, उन्होंने नहीं कहीं पढ़ा होगा, उसको मालूम ही नहीं है कि डायमंड कहाँ से आता है। मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सूरत शहर में वो आते हैं तो मालूम होना चाहिए। गुजरात में प्याज की फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, 22 साल का प्याज की नहीं, आलू की, आलू की जो भी, मतलब प्याज की भी फैक्ट्री। 22 साल का इतिहास गुजरात में फिर से दोहराया जाएगा, मोदी ही जीतेंगे, भाजपा ही जीतेगा, हर हर मोदी। फैन लगते हैं आप बड़े वाले, लेकिन ये बताइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे ना अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी? वो खुद मजबूत हो तो भी बस है, गुजरात को क्या मजबूत करेंगे, कांग्रेस को क्या मजबूत करेंगे? अध्यक्ष में तो पूरा उसका फैमिली का ही सिलसिला चला रहा, पहले से सोनिया था, अभी काफी वर्ष अभी अध्यक्ष वो नहीं है बन तो क्या किसी और को होना चाहिए, गांधी परिवार से किसी अलग नाम को लेकर आना चाहिए? किसी को चांस ही नहीं, नया चेहरा ही नहीं उसके पास, कुछ कोई चेहरा नहीं, 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 नहीं कभी भी किसी को आगे आने ही नहीं दिया, सिर्फ अपना फैमिली को बैकग्राउंड बना रखा है अभी तक, कभी गलत नहीं है, गलती है ना, किसी को भी चांस नहीं दिया अभी तक। तो किसको चांस देना चाहिए? वो उसकी तकलीफ है, हमारी नहीं है। कोई अच्छा नेता ढूंढ के रखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, तो उनके पास अच्छे नेता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, बीजेपी को हमेशा जीत मिलती जा रही है, और अब बीजेपी भी यही चाहती है कि वो अध्यक्ष पद पे आ जाए ताकि हमें और जीत मिले। अच्छा ऐसा लग रहा है आपको कि अगर वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो बीजेपी को और जीत मिलेगी? और जीत मिलेगी, राहुल गांधी की वजह से बीजेपी को जीत मिल रही है, क्योंकि वो हमेशा गलतियां करते रहते हैं, और हर युवा आज मोदी जी के साथ है, हर युवा मोदी जी के साथ है। लेकिन राहुल गांधी भी युवाओं की बात करते हैं, उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो आधी जानकारी लेके चलते हो, कोई भी बात कोई अगर सवाल पीछे तो अगर उनको पास जवाब नहीं होगा सिर्फ हंस के टाल देते हैं, सिर्फ हंस के टाल देते। मोदी जी ऐसे इंसान है, वो हाजिर जवाब भी है, आप कोई भी सवाल पूछ लो तुरंत जवाब दे दे। मतलब नेता के लिए बहुत जरूरी है कि वो हाजिर जवाब भी हो, अच्छा जवाब देता हो, जनता की बात को सुनता हो और तुरंत स्पॉन्टेनियस जवाब दे, तभी वो अच्छा नेता जी। बिल्कुल, सबकी बात सुननी चाहिए, उनको समझनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, उनको समझनी चाहिए। कुछ और लोग हैं राहुल गांधी के बारे में, आप बोलेंगे सर? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, पॉलिटिक्स से नो वो कोई कनेक्शन नहीं। आप बोलेंगे सर, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कांग्रेस के, बेड़ा पार हो पाएगा कांग्रेस? कुछ बनाने का नहीं है उसको, कुछ नहीं होगा, कुछ आने वाला ही नहीं है आज तक, लेकिन कुछ किसी का कुछ काम किया ही नहीं है आज तक, कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, खाली आके बोल के चला जाता है। अभी मंदिर में जाके जाने लगा, अभी तक लेकिन मंदिर में नहीं जाया गया,
अभी जाने लगा वोट के लिए मंदिर जा रहा है। वोट के लिए वो कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ। कोई भक्त भक्त नहीं है, कोई भक्त नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मोहम्मदन है केवल। नहीं नहीं ऐसे अब उन्होंने तो खुद कहा, उनकी पार्टी ने कहा कि वो हिंदू हैं। कौन है हिंदू, कौन जनेऊ पहनते हैं वो वाले? तो मैं भी पहन देता हूँ, तो मैं ब्राह्मण थोड़ा हो जाता हूँ। चलिए कुछ और लोग हैं अपनी बात कहना चाहते हैं। माथे पे लिखा नहीं था कि कोई हिंदू है कि मोहम्मदन है, सबका खून एक ही है। मतलब क्या है, एक प्लस पॉइंट लेके बैठा है, उसके पास मतलब बाहुबली जैसा मतलब बल आ गया है दुनिया का। मतलब किसके पास बाहुबली वाला बल आ गया? जिसी के पास, बीजेपी के पास, के कांग्रेस? नहीं नहीं, ये बताइए राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का जिसने खाया है वो उद्धार कर पाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएंगे राहुल? हाँ, अगर उसने हथियार उठाया है तो जरूर पाएंगे, जरूर करेंगे, करेंगे मतलब करेंगे। अर्जुन ने भी हथियार रख दिए थे, कृष्ण भगवान ने बोला तो उठा, आज उसने राहुल गांधी मतलब वक्त पड़ने पर जब भी जरूरत पड़ेगी टाइम टाइम पर फिर उसके हिसाब से वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, लोगों को अपने करेंगे, करेंगे पक्का। लोगों को होना पड़ेगा क्योंकि आज मध्यम वर्ग के लोगों को इतनी परेशानी है कि उसके जेब में 5 रुपया नहीं है तो भी क्या करेगा आप? 5 रुपया क्यों नहीं है? अरे आज क्या 500 की नोट दे दे वो, अब पान वाले के पास अपन जाते हैं एक विमल लेने के लिए 5 रुपया जाती है, वो बोले छुट्टा नहीं, तो फिर क्या करेगा? तो विमल तंबाकू या गुटखा लेने जाएंगे तो छुट्टा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा? पान वाला भी भूखे मरेगा, अपन भी मरेंगे। औरत जाती है सब्जी लेने, वो 500 की नोट लेके जाती है, वो सब्जी वाली बोलती है कि 6-10 रुपए की सब्जी, ऐसी सब्जी तो 500 की नोट देती है, तो बोले क्या करें, छुट्टे नहीं है। तो मतलब आजकल सब फायदा होगा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद, फायदा होगा। मतलब दिस इज प्रॉब्लम इज पब्लिक सिटी। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से फायदा होगा, मजबूत होगी कांग्रेस? नहीं नहीं होगी। क्यों? मेरे को नहीं लगता। क्यों क्यों लगता है? कि पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ तो अभी क्या होगा? तो अभी क्या होगा, यानी कि कुछ कर नहीं पाएंगे? आपको भी लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी को पहले अमेठी और रायबरेली देखना चाहिए। वहाँ अमेठी रायबरेली हार रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट नहीं है, और अपने घर में वो हार चुके हैं। वहाँ पे अमेठी में 4 बैठक थी, वहाँ पे हार चुके हैं वो 4-0 से। रायबरेली में हार चुके हैं, पहले वहाँ डेवलपमेंट करो, यहाँ डेवलपमेंट पहले से है, बिजली पानी सड़क वहाँ पे नहीं है। मतलब पहले अपना घर देखें उसके बाद ही आके मोदी का घर। एग्जैक्टली वही करना चाहिए। वहाँ पहले 60-60 सालों से उनकी पीढ़ी वहाँ पे, 3-3 पीढ़ी आ रही है, वो पहले देखें। यहाँ पे सूरत में, गुजरात में, यहाँ तो डेवलपमेंट है, पहले से है, बेसिकली डेवलपमेंट है। ये आपकी बात से सहमत नहीं है? हेलो मैडम, देखो उसने हर चीज का मतलब एक ही दिन में, एक एक घंटे में किया है, मतलब नोटबंदी एक दिन में की, उसके बाद में विजय माल्या को लेके के। नहीं नहीं, हम तो बात राहुल गांधी पर कर रहे हैं ना, आप सिर्फ ये बताइए मोदी जी ने दिया था विजय माल्या को कर्ज, किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था, वो जिम्मेदार है इसके लिए, ये गवर्नमेंट थोड़ी जिम्मेदार है इसके लिए। उसके बाद बहुत मनी निकला बराबर। नहीं, आप राहुल गांधी की बात कीजिए ना, हम राहुल गांधी, उसने कुछ बोला, उसने ऑब्जेक्शन कुछ उठाया? आज पब्लिक ने कोई ने उठाया? राहुल गांधी अच्छे हैं, देश का कल्याण करेंगे आगे आने वाले वक्त में, अगर वो मोदी जी के आगे जीत हासिल कर पाते हैं 2019 की तो। आज लोगों को भी विश्वास था कि नरेंद्र गांधी करेगा, पर आज उसने क्या करा, दुनिया में पुल बना दिए सूरत के अंदर। आज गरीब को कोई को देखा है, प्लॉट बना के दिया? गरीबों को कोई फायदा नहीं दिया? गरीब तो 60 साल, कांग्रेस तो 60 सालों से कह रही है कि गरीबों का भला करेंगे, कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। मोदी सरकार है तो वही सरकार है, बाकी कांग्रेस वाला तो कोई कर वाला ही नहीं है। राहुल गांधी लेकिन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, शुभकामनाएं तो देंगे ना आप लोग? नहीं, राहुल गांधी को शुभकामना भी नहीं देंगे? नहीं, राहुल गांधी चाहिए ही नहीं, राहुल गांधी देश को बचाने का है तो मोदी ही चाहिए। पहले डायमंड लगा रहे थे बराबर, हीरा घसने आए तो पहले कहाँ गए थे सब बराबर? पहले कहाँ गए थे राहुल गांधी, उसके माँ के पास? फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? नहीं, कुछ नहीं भाई, आपको भी लगता है फायदा नहीं? नहीं, राहुल गांधी नहीं चाहिए हमको, गांधी नहीं चाहिए, आएगा मोदी होगा। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार चाहिए। 60 साल उसको शासन किया लेकिन कुछ खड्डे में देश डाल दिया, अभी मोदी सरकार होगा तो कुछ देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ाने का। गुजरात के अंदर कांग्रेस की सीटें भली आएगी लेकिन सरकार बीजेपी बनेगी, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रहा है वो कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया। राहुल गांधी काम नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि सभी काम करते हैं, लेकिन जो अच्छे से अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिस तरह से जीएसटी भी लागू किया है। मैडम जल्दी से लास्ट पॉइंट दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मेन मुद्दे पर आप बात राइट। हेलो, नेताओं की तरह बात कर रहे हैं आप, सारा सब कुछ गिना दे रहे हैं, जो मैं पूछ रही हूँ वो बता नहीं रहा। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी अच्छा करेंगे कांग्रेस की? हाँ अच्छा तो करेंगे, मतलब मैं वो मंदिर गया तो हिंदू नहीं है मतलब बराबर, तो ये नरेंद्र मोदी कहाँ से आया, उसका कहाँ बाप दादा का घर है मकान है बराबर? दैट्स ऑल राइट इज माय क्वेश्चन इज जवाब आंसर। चलिए
यहाँ के जो लोग हैं यानी कि सूरत की जो जनता है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे जब हमने सवाल पूछा राहुल गांधी को लेकर, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें, आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस पार्टी हिन्दुस्तान के नक्शे में 6 राज्यों में काबिज है, जबकि बीजेपी की 18 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी आगे कांग्रेस हाथ किस तरह से मजबूत करेंगे, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि सुबह 10 बजे के बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे नामांकन के लिए, और आप देखेंगे हर खबर सिर्फ एबीपी न्यूज पर। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ चित्रा त्रिपाठी, सूरत, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।